क्रिकेट का महामुकाबला भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। आईसीसी वर्ल्ड कप का नया स्केड्यूल अब जारी हो गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। हालांकि पहले इस मुकाबले की तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन बाद में फिर बदलाव किया गया है। भारत पाकिस्तान मैच के अलावा 8 मैच के स्केड्यूल में तब्दीली की गई है। आईसीसी ने नए स्केड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाएगा, वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला भी 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका दोपहर 2 बजे आमने सामने होंगी। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, जो पहले 13 अक्टूबर को खेला जाना था, उसको एक दिन पहले यानी कि 12 अक्टूबर के लिए स्केड्यूल कर दिया गया है। फिर 12 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाला मुकाबला अब 10 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें 13 अक्टूबर को आमने सामने होंगी। इससे पहले ये मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाना था। सबसे ज्यादा जिस मैच का इंतजार है वो है भारत बनाम पाकिस्तान। ये मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आगे बात करते हैं इंग्लैंड और अफगानिस्तान की, तो इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाना था, जो कि अब 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला 11 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश मैच भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे खेला जाएगा। इसी दिन यानी कि 11 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ये मुकाबला दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वहीं इसके अलावा भारतीय टीम के सामने नीदरलैंड्स की चुनौती 12 नवंबर को होगी, जो पहले 11 अक्टूबर को खेला जाना था। भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा।